जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को, इस चैप्टर में आप लोगों ने अप्रॉक्स जितने भी टॉपिक्स थे इम्पॉर्टेंट उसे आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। जो भी वीडियो आप लोग को मिला था उस वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में बताया गया था। आपने लास्ट वीडियो जो देखा था उसमें आपने पढ़ा था उन केमिकल के बारे में जो हमें प्राप्त होता है कॉमन सॉल्ट से। अब आज का यह वीडियो जो है इसमें हम लोग एक लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर से बचाऊंगा। यह टॉपिक है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग इस टॉपिक को आज पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है इसमें फोकस किया गया है टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट सब किसे कहते हैं? कैसे सॉल्ट नमक सॉल्ट का जो क्रिस्टल फॉर्म होता है ना उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करते हैं, सम्मिलित होते हैं, इसके ऊपर हीट करके इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है ताप का, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मेनली आज का जो टॉपिक आपका जो है वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वाटर क्रिस्टलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द वाटर मॉलिक्यूल यानी कि पानी का मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म जो बनाता है पार्ट हिस्सा किसका ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का हिस्सा पार्ट बनाता है उसको हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सिंपली इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको सिंपल यहां पर क्या कह सकते हैं? सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि सिंपल यहां पर क्या कह सकते हैं? सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, ठीक है, सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं सिंपल वर्ड में कि कुछ सॉल्ट जो होते हैं उनके साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एसेंशियली यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एसेंशियली जो यहाँ पर होता है वो क्या रहता है? कंसिस्ट करता है, सम्मिलित होता है, ठीक है। कुछ सॉल्ट जो होते हैं ना उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? आवश्यक रूप से जरूरी रूप से जो उसमें शामिल होता है उसमें सम्मिलित होता है। मतलब कि यहाँ पर जब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ते जैसे ठीक है हम कॉमन सॉल्ट को जानते हैं NaCl के नाम से, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर हमें कोई वाटर मॉलिक्यूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं उनके साथ में क्या देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना वो एसेंशियली यानी कि आवश्यक रूप से उसके साथ शामिल होता है, उसमें एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है, जैसे उसको समझिए उसमें पाया जाता है, जब कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर वाटर क्रिस्टलाइजेशन के रूप में समझते हैं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं एक और टर्म पाया जाता है सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि वो सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल शामिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट उसको बोलते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर
यहाँ पर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सॉल्ट विच कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इस टर्म को आप चेंज भी कर सकते हैं सिंपल टर्म, ठीक है। तो एक को देख लिया, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो क्या मैं लिखा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट,
जो सोडियम कार्बोनेट आपको डेकाहाइड्रेट जो दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसे, यानी कि 10 वाटर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस तरह से हम क्या देते हैं कि आपको जो हाइड्रेटेड सॉल्ट जो दिया गया था तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया, कब देखा डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सॉल्ट कौन सा है, हाइड्रेटेड है। डेका जो क्या आपको बता रहा है कि 10 वाटर मॉलिक्यूल शामिल, ठीक है ना। डेका जो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल शामिल है किसमें, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या बन गया कंप्लीटली, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है इसमें क्या देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट यानी जो वासिक सोडा आपको दिया गया है वो क्रिस्टल फॉर्म में है और वहीं पर उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल शामिल है, ठीक है, कंसिस्ट कर रहा है। तो ऐसा और एग्जाम्पल सुन लें, और भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं इसको समझने के लिए। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, इसमें शामिल होगा कंटेन होगा कितना, 5, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो दिखाई पड़ रहा है इसमें शामिल होता है 5 मॉलिक्यूल, किसका, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है ना। जिसमें उसकी एक फॉर्मूला यूनिट में, उसकी एक फॉर्मूला यूनिट में शामिल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब निकल करके आता है कि इसका पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पर जो बन जाएगा फॉर्मूला जो बन जाएगा, ये हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कर देंगे, ये आपका लिखाएगा कॉपर सल्फेट का CuSO4 और 5 वाटर मॉलिक्यूल 5H2O, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, पेंटाहाइड्रेट, तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो कॉपर सल्फेट तो आप देख रहे हो CuSO4 जान रहे हो, उसके बारे में पहले से पता है। पेंटा 5 रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रेट, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब निकल करके आता है कि कॉपर सल्फेट जो है इसमें शामिल है, इसमें कंसिस्ट कर रहा है क्या, 5 मॉलिक्यूल के साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, किसमें, उसकी एक फॉर्मूला यूनिट में। तो इस प्रकार से बन गया CuSO4 5H2O, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर था, दूसरा एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको लेकर के। और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें समझने के लिए, इस बार आधा सल्फेट का ले रहा है, जो आधा सल्फेट आपको दिखाई पड़ रहा है इस बार हम लोग इसका ले रहे हैं, ठीक है। आयरन सल्फेट क्रिस्टल जो इसमें शामिल है 7 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, किसका, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है।
तो वहां पर हम सॉरी यहां पर क्या देख रहे हैं इसके साथ में सात मॉलिक्यूल शामिल है एना सल्फेट क्रिस्टल जो उसमें शामिल है सात मॉलिक्यूल किसका वाटर क्रिस्टल है जिसम का शामिल है इसके साथ तो एना सल्फेट क्रिस्टल जो है इसमें जो आपको सात मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है वाटर क्रिस्टलाइजेशन का उसके शामिल होने की वजह से जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है Fe4 7H2O ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है Fe4 7H2O ये तो हो गया आपका एना सल्फेट के लिए हो गया सेवन जो है यानी कि सात मॉलिक्यूल को दिखा रहा है किसका वाटर क्रिस्टल है जिसम का यानी कि Fe4 का हर एक क्रिस्टल जो है ना हर एक क्रिस्टल उसमें सात मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टल है जिसम का शामिल होगा तो क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा एना सल्फेट हेप्टा तक आपने देखा कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट हम किसे बोलते हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपने ये भी देखा कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है इसका फॉर्मूला कैसे लिखाता है और कैसे इसमें हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टलाइजेशन का साथ अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कि हीट का इफेक्ट क्या पड़ता है क्या वो मतलब कि फिजिकल चेंज के रूप में पड़ता है उस समय के लिए कैसे रिएक्ट कर लेता है जो भी होता है उसके बाद में समझेंगे तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना दिया गया था मटेरियल जो रिलेटेड था वाटर क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक से